Now we have international place value system. So students, again we have a statement that is 1 2 3 5 3 9 5 4 5 2. तो अब जैसा कि मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी बताया था, आपने क्या करना है, कॉमास पुट करने हैं. सबसे पहली कंडीशन दोनों वैल्यू सिस्टम्स में यही आती है कि आपको इंडियन या इंटरनेशनल जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉमास पुट करने हैं. सो इन इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम में तो हम सिर्फ लास्ट में 4 डिजिट छोड़ते थे, फिर हम 2 2 डिजिट छोड़ के कॉमास पुट करते थे. पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 3 3 डिजिट्स ही छोड़ेंगे. ठीक है बेटा, जैसे कि लास्ट में 3 डिजिट छोड़े तो कोमा लगाया, फिर 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाया, फिर 3 डिजिट छोड़ दिए. अगर लास्ट में हमारे पास यहाँ फर्स्ट में 2 डिजिट बच जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है. पर लास्ट में ये नहीं कि हमने 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगा दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ अगेन आई एम राइटिंग इन शॉर्टली द प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो हियर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, because it is in international place value system. So now we will write the place value, make the place value chart according to the international place value system. So here 100,000, millions, 10 millions and 100 millions. So here in the ones place we have 2, so we will write the 2 over ones place. So here in the tens place we have 5, hundreds place we have 4, thousands place we have 9, 10,000 place we have 3, 100,000 we have 5, 3 millions place we have 3, 10 millions place we have 2, and in the last, that is 100 millions, the place is 1 digit. So we have written these values in the place value chart. So again we will put them into the number name. समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इनको प्लेस वैल्यू चार्ट के में भी लिखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में, और इनका नंबर नेम भी लिखना है. तो हम जैसे जैसे आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यूज पुट की हैं, वैसे ही आप इनको इनवर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मिलियन में हमारे पास आ गया 123, ये आ गया मिलियंस में, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 123 मिलियंस. अब ये 539 आ गया थाउजेंड्स के केस में, तो हम लिखेंगे 539 थाउजेंड्स, क्योंकि ये थाउजेंड्स के कॉलम में है तो थाउजेंड्स आएगा. अगर मिलियंस के कॉलम में है तो इनको लिखने के बाद मिलियंस भी आएगा. और लास्ट में बच गया 452, तो लास्ट में यही लिख देंगे. ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं. अब इसके बाद हमारे पास है इन नंबर्स, इन फिगर्स में लिखना है. हमने हमारे पास कुछ वर्ड इन वर्ड्स में दिए हुए हैं, तो हम इनको कैसे लिखेंगे. हमारे पास है 59,70,44,833, ठीक है. इनको हमने नंबर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे अब हम इनको फिगर्स में लिखना है. तो सबसे पहले, अब क्योंकि करोड़ तक है, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे. जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है. तो क्योंकि करोड़ तक है, करोड़ में क्या है 59, तो करोड़ के नीचे 59 आएगा. उसके बाद है 70 लाख, लाख में आ जाएगा 70. उसके बाद है 44,000, थाउजेंड के नीचे आ जाएगा 44, 800, हंड्रेड के नीचे आएगा 8, और उसके बाद है 33. बन गया ना 59 करोड़, 70 लाख, 44,833, ठीक है बेटा. उसके बाद आपके, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो वी हैव हियर 207 मिलियन, मिलियन में 207, 600,000, थाउजेंड में आ गया 6, 837, 100 में आ गया 8, और टेंस और वंस डिजिट में हमारे पास 37 पड़ा है. देन हाउ टू राइट, फर्स्टली वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट इन शॉर्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. 207 मिलियंस, मिलियन वाले कॉलम में आएगा 207. नाउ थाउजेंड के कॉलम में 6 है, तो यहाँ 006 आएगा. आप इस यहाँ ये नहीं डाल सकते कि 6 आगे डाल दिए पीछे 00, नो, वो 600 बन जाएगा. अगर अकेला 6 है तो पहले दो कॉलम में आप 100 और 10,000 वाले में 00 डालोगे. अकेला 1,000 है ना 6, तो 1,000 के नीचे 6 आएगा. अगर यहाँ होता कि 66, तो यहाँ पे 66 आता और 100,000 वाले में आता 0. उसके बाद 800, 100 के नीचे 8 आ गया,
उसके बाद 37, 207,006,837। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन होता है दो तरह से, एक एक केस में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं, दूसरे केस में या नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंस हैं। ठीक है, अगर तो मान लो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6 6 डिजिट्स हैं, तो हमें ध्यान से देखना है। पहले हम लैक वाले में देखेंगे कि डिजिट्स कौन से हैं, ये 4 है ये भी 4 है, दैट मीन्स दोनों सेम हैं। अब हम चलेंगे थाउजेंड्स प्लेस भी, ये 69 है ये 96, ऑब्वियसली 96 बड़ा है, हमें पता चल गया, तो हम साइन उसकी तरफ घुमा देंगे। ठीक है, ये केस हो गया जब हमारे पास सेम डिजिट है। अगर हमारे पास डिफरेंट डिजिट होंगे तब हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाला, तो ऑब्वियसली कितने डिजिट वाला नंबर बड़ा होता है, 7 डिजिट वाला, तो हम साइन का मुंह उधर को घुमा देंगे। ठीक है बेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर आपके साथ डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गए बेटा। जैसे जैसे आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में आपकी बुक में भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उनको वहाँ से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी द टीचर। थैंक यू बेटा।